आईपीएल की शुरुआत 31 मार्च से होने वाली है, लेकिन इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमों की बात करें तो इसमें मुंबई इंडियंस का नाम सबसे ऊपर आता है। मुंबई इंडियंस की टीम ने 5-5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। दूसरे नंबर पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई सुपर किंग्स ने 4-4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। और जब बात चेन्नई सुपर किंग्स की हो तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल हो सकता है। तो ऐसे में इस साल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि इस टीम में हमेशा की तरह एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। तो चलिए नजर डालते हैं कि आईपीएल 2023 के लिए कैसी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और कौन कौन से खिलाड़ी इसके लिए एक मजबूत प्लेइंग 11 जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की कैसी हो सकती है आईपीएल 2023 में प्लेइंग 11। पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, तफसील से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे आईपीएल 2023 के लिए कैसी होगी चेन्नई सुपर किंग्स की बेस्ट प्लेइंग 11। देखिए, इस टीम को अगर आप आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक कहेंगे तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी तक सबसे ज्यादा बार फाइनल में जगह बनाई है। यह टीम 9 बार आईपीएल का फाइनल खेल चुकी है। अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था साल 2010 में। इसके अगले साल 2011 में भी चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की चैंपियन बनी थी। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने साल 2018 में तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता था। इसके बाद साल 2021 में भी महेंद्र सिंह धोनी की ये टीम जो है वो आईपीएल की चैंपियन बनी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये टीम 9 बार आईपीएल का फाइनल खेल चुकी है, जिसमें से 4 बार इन्होंने ट्रॉफी जीती है और 5 बार ये टीम जो है वो खिताब के बेहद करीब आकर चूक गई है। वहीं इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो आईपीएल से 2 साल सस्पेंड भी रही थी। जी हां, साल 2016 और 17 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल का हिस्सा नहीं थी। लेकिन अब बात है आईपीएल 2023 की। तो ऐसे में कैसी है चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम आईपीएल 2023 के लिए, चलिए आपको बताते हैं। अगर ओपनर्स की बात करें तो इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। सबसे पहले आपको ओपनर्स के बारे में ही बता देते हैं। ओपनर्स की बात करें तो इस टीम में डेविन कॉनवे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, अजिंक्य रहाणे हैं और शेख राशिद भी एक ओपनर का किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की भी भरमार है। इसमें अंबाती रायडू हैं, इसके साथ ही साथ शुभ्रांशु सेनापति भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टीम के विकेट कीपर्स की। तो एमएस धोनी तो हैं ही, कप्तानों के कप्तान कहा जाता है एमएस धोनी को। इसके अलावा आप यहां पर बाकी विकेट कीपर्स का नाम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम उनको बल्लेबाजों में और ओपनर्स में काउंट कर चुके हैं। इनमें डेविन कॉनवे भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ अंबाती रायडू भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। चलिए विकेट कीपर्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इस टीम के ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स की भी भरमार है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इस टीम के पास बेन स्टोक्स हैं, मोइन अली हैं, शिवम दुबे हैं, राजवर्धन हंगरगेकर हैं, ड्वेन प्रिटोरियस हैं, मिचेल सैंटनर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अजय मंडल हैं, निशांत सिंधु हैं और भगत वर्मा जो हैं वो भी इस टीम में ऑलराउंडर का किरदार निभा सकते हैं। चलिए ऑलराउंडर्स की भी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं स्पिन गेंदबाजों की, क्योंकि चेपॉक के मैदान पर स्पिनर्स जो हैं वो काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में कौन कौन से स्पिन गेंदबाज जो हैं वो मौजूद हैं। तो स्पिनर्स की बात करें तो इस टीम में प्रशांत सोलंकी हैं और इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स में महेश तीक्ष्णा भी हैं और ये भी आपको एक स्पिनर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हमने बल्लेबाजों की बात कर ली, हमने ऑलराउंडर्स की बात कर ली, हमने विकेट कीपर्स की बात कर ली, तो अब बात कर लेते हैं तेज गेंदबाजों की। तेज गेंदबाजी में भी चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। तो तेज गेंदबाजों की बात करें तो इस टीम के पास हैं तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, मथीश पाथिराना, सिमरनजीत सिंह, दीपक चहर और सिसांदा मगाला। सिसांदा मगाला को यहां पर एक रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है,
क्योंकि काइल जेमिसन जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2023 नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए सिसांदा मगाला को इस टीम में शामिल किया गया है। चलिए हमने पूरा का पूरा स्क्वाड तो देख लिया चेन्नई सुपर किंग्स का, लेकिन अब बात कर लेते हैं कौन से हैं वो खिलाड़ी जो मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल की बेस्ट प्लेइंग 11 जो है वो बनाने वाले हैं, क्योंकि ये सीजन ऐसा माना जा रहा है महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीजन है, तो धोनी चाहेंगे कि जीत के साथ ही आईपीएल को अलविदा कहा जाए, जीत के साथ ही आईपीएल से विदाई ली जाए। तो ऐसे में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2023 की बेस्ट प्लेइंग 11 बना सकते हैं, तो बात कर लेते हैं ओपनर्स की। इस टीम में अगर हम बात करें तो डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहां पर महेंद्र सिंह धोनी जो है एक चाल चल सकते हैं और इस बार आपको नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं बेन स्टोक्स। जी हां, वही बेन स्टोक्स जिनको भारी भरकम रकम खर्च करके इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल की मिनी ऑक्शन में अपने नाम किया है। अब बात कर लेते हैं चौथे खिलाड़ी की। चौथे नंबर पर आपको अंबाती राइडू खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और हम सभी जानते हैं कि अंबाती राइडू जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक लंबे समय से हैं और ये खिलाड़ी जो है वो तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं पांचवें नंबर पर कौन आएगा, तो पांचवें नंबर पर आएंगे मोइन अली, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले वाले सीजन्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने मोइन अली को नंबर 3 पर भी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उनके पास एक और धांसू खिलाड़ी आ गया है बेन स्टोक्स के तौर पर, तो इसीलिए मोइन अली जो है वो आपको पांचवें नंबर पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं छठे नंबर पर बल्लेबाजी कौन करेगा, तो छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सातवें नंबर की, तो सातवें नंबर पर आपको शिवम दुबे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पिछला सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इन्होंने काफी बड़ी बड़ी और दमदार पारियां खेली थी, तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी शिवम दुबे को भी प्लेइंग 11 में रखना चाहेंगे और नंबर 8 पर आएंगे खुद महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र बाहुबली धोनी जो है वो नंबर 8 पर आएंगे। इससे चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग में डेप्थ भी आ जाएगी और सोचिए अगर महेंद्र सिंह धोनी आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो कितनी ज्यादा बैटिंग में डेप्थ है, और सामने वाली टीम तो महेंद्र सिंह धोनी के आने के ख्याल से ही आधी से ज्यादा जो है अपनी एनर्जी वेस्ट कर देती है, क्योंकि सभी को पता है महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में से एक हैं, तो इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी आपको नंबर 8 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की, नंबर 9 पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे दीपक चहर, और ये मत भूलिएगा कि ये खिलाड़ी भी बल्लेबाजी कर सकता है, तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग में भी डेप्थ रहेगी और गेंदबाज भी इनके पास काफी सारे रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 10 के खिलाड़ी की, तो महेश तीक्ष्णा जो हैं वो आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं नंबर 10 पर। अब बात कर लेते हैं नंबर 11 के खिलाड़ी की, तो जाहिर तौर पर पिछले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी को अपनी गेंदबाजी से इंप्रेस करने वाले मुकेश चौधरी जो हैं वो भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे और वो एक तेज गेंदबाज का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। तो आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की ये बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल हो सकता है, तो क्या एमएस धोनी एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का खिताब जिता पाएंगे, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीत पाएगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।